हेलो बच्चों, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उस टॉपिक का नाम है एडल्ट एजुकेशन। देखो, आज का वीडियो लेक्चर मैं आपके रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। प्लीज पूरे वीडियो लेक्चर को देखकर कमेंट जरूर करना कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। एडल्ट एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इस टॉपिक में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप टेट के एग्जाम में बैठ रहे हो, नेट के एग्जाम में बैठ रहे हो, केवीएस के एग्जाम में बैठ रहे हो या फिर और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो, तो इस टॉपिक में से सर्टेनली क्वेश्चन आता है। हिंदी में हम इसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। इसमें जो टीचिंग होती है वो नॉन फॉर्मल वे से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करती हूँ कि एडल्ट एजुकेशन होती क्या है। देखो, एडल्ट एजुकेशन मीन्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू एडल्ट्स हु आर अबव द एज ऑफ 21 इयर्स एंड दे हैव पास्ड द एज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यानी यहाँ पर उन लोगों को, उन एडल्ट्स को एजुकेट किया जाता है जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और उनकी फॉर्मल एजुकेशन की एज निकल चुकी है। यानी उनकी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई थी। पढ़ाई छूटने का कोई भी कारण हो सकता है, गरीबी के कारण, पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण या फिर स्कूल ना होने के कारण उनकी पढ़ाई बचपन में ही छूट गई थी। अब देखो, बचपन में तो उन्हें इलिटरेसी का ज्यादा एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एक चाइल्ड ग्रो करके एडल्ट बन जाता है, तब वो रियलाइज करता है बेसिक नीड ऑफ एजुकेशन। तब उसे रियलाइज होता है कि एजुकेशन उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। उसको बेसिक नॉलेज और बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो एनरोल करता है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में डेवलप की जाती है बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स में आती है बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल अरिथमेटिकल स्किल्स, ताकि आपको कोई चीट ना कर सके, आपको कोई एक्सप्लोइट ना कर सके। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए। तो बेसिक राइटिंग, बेसिक रीडिंग एंड बेसिक अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस सिखाई जाती हैं। और इसके साथ वोकेशनल और प्रोफेशनल स्किल्स भी डेवलप की जाती है। जिस फील्ड की आपको नॉलेज है, उस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज दी जाती है, आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनाया जाता है। सपोज आपको कारपेंट्री का काम आता है तो आपको कारपेंट्री में एक्सपर्ट बनाया जाता है। आपको सारी वो स्किल्स सिखाई जाती हैं जो कारपेंट्री में यूज होती है। समझ में आया? तो ये था सारा आपका मीनिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन। देखो, भारत सरकार ने एडल्ट एजुकेशन का प्रमोशन फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में ही कर दिया था। 1956 में एनएफईसी के अंडर इसको स्टार्ट किया गया था। एनएफईसी क्या होता है? नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर। इसके अंडर इसको स्टार्ट किया गया था और मेन फोकस था सोशल एजुकेशन प्रोग्रामिंग पर। बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस तो सिखाई जाती थी, उसके साथ सोशल स्किल्स भी डेवलप की गई थी। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ग्राम शिक्षण मुहिम। ये 1959 में महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्च किया गया एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के रूप में। बाद में इसको 25 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट प्रोग्राम था फार्मर फंक्शनल लिटरेसी प्रोजेक्ट। ये एक अपग्रेडेड वर्जन था ग्रीन रेवोल्यूशन का। इसमें फार्मर्स को लिटरेट किया गया था रिगार्डिंग हाई यील्डिंग कल्टीवेशन के बारे में, कि किस तरह से जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, किस तरह से उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है उन सीड्स को यूज करके, इस बारे में फार्मर्स को लिटरेट किया गया था। नेक्स्ट प्रोग्राम था वर्कर्स एजुकेशन। यहाँ वर्कर्स को एजुकेट किया गया था रिगार्डिंग देयर वेजेस पर डे, रिगार्डिंग देयर आवर्स ऑफ वर्किंग, उनको कितने घंटे काम करना है और कितनी वेजेस उनको पर डे मिलेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर वुमेन इन 1975। इसे इंटरनेशनल वुमेन ईयर के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर वुमेन को एम्पावर किया गया था, वुमेन को लिटरेट किया गया था रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन,
वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दी गई थी, होम बिल्टअप प्रोग्राम किए गए थे, चाइल्ड केयर प्रोग्राम किए गए थे, तो यहाँ पर विमेन को एम्पावर किया गया था। नेक्स्ट प्रोग्राम था नेशनल लिटरेसी मिशन। देखो यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, लेकिन जो नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम 1988 में लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, वो है रिमूवल ऑफ इलिटरेसी अमंग 15 to 35 ईयर्स। यहाँ पर उन इलिटरेट एडल्ट्स को लिटरेट करना है जिनकी उम्र 15 से 35 साल है। देखो नेशनल लिटरेसी मिशन का मेन मोटिव क्या था, एजुकेट 100 मिलियन इलिटरेट एडल्ट्स विद इन 5 ईयर्स, यानी 10 करोड़ लोगों को शिक्षित 5 साल के अंदर अंदर करना, 10 करोड़ लोगों को एजुकेट करना जो अनएजुकेटेड है और जिनकी उम्र 15 से 35 साल है। तो ये जो मिशन है, ये जो प्रोग्राम है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है इन सारे प्रोग्रामों में से। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ इसके पर्पसेस क्या थे। देखो सबसे पहला पर्पस है रिमूव इलिटरेसी। एडल्ट एजुकेशन का मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा एडल्ट को एजुकेट करना, लिटरेट करना। एडल्ट एजुकेशन बेसिक स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स डेवलप करती है, तो हर इंडिविजुअल की एटलीस्ट बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और वोकेशनल स्किल्स तो डेवलप होनी ही चाहिए, ताकि उन्हें कोई चीट ना कर सके, उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। हमारे देश में अगर पॉपुलेशन लिटरेट है तो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में हो सकती है। देखो जो लिटरेट पॉपुलेशन होती है वो कंट्री के लिए एक एसेट होती है, ना कि एक लायबिलिटी। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है वोकेशनल एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन में एडल्ट को वोकेशनल स्किल्स डेवलप की जाती है, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप की जाती है, यानी उनको जिस फील्ड में नॉलेज है उस फील्ड में उनको स्किल्ड किया जाता है, डेवलप किया जाता है, एक्सपर्टीज दी जाती है। सपोज एक इंडिविजुअल है, उसे पोटरी आती है, कारपेंटरी आती है, तो उसको उसी फील्ड में एक्सपर्ट बनाया जाएगा, ताकि वो अपना ऑक्यूपेशन, वो अपना धंधा, वो अपना रोजगार इजीली कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डेवलपमेंट। देखो जब एक एडल्ट एजुकेट होता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होता है, क्योंकि जब उसकी नॉलेज बढ़ती है तो उसको नौकरी अच्छी मिलती है। अच्छी नौकरी मतलब अच्छा पैसा, और अच्छा पैसा मतलब हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल की जो इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके पोटेंशियल्स हैं, उसका कॉन्फिडेंस है, उन सबको आइडेंटिफाई कराना। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन फोकस करती है फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पर। देखो फिजिकल डेवलपमेंट में एक पर्सन फिजिकली जब फिट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड भी स्ट्रोंग होगा, और फिजिकली फिट कब होगा, जब वो बैलेंस डाइट लेगा। बैलेंस डाइट हमें फॉर्मल एजुकेशन के दौरान बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर एडल्ट की एज फॉर्मल एजुकेशन की तो निकल चुकी है, तो उसे एडल्ट एजुकेशन में बैलेंस डाइट का चार्ट बताया जाता है कि उसको अपनी डाइट में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हर न्यूट्रिएंट एक एडिक्वेट क्वांटिटी में लेना चाहिए, ताकि वो अपने आप को प्रिवेंट कर सके डिजीजेस से। एक पर्सन जो फिजिकली फिट है वो ऑटोमेटिकली मेंटली भी फिट होगा, उसके अंदर एबिलिटीज होगी, हर तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो इजिली सॉर्ट आउट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलप सोशल यूनिटी। एडल्ट एजुकेशन का मेन फोकस होता है टू डेवलप यूनिटी अमंग एडल्ट्स। देखो ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, उसे समाज में रहना है, समाज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। देखो एक पर्सन एजुकेटेड है, उसको समझ होती है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, तो वो इजिली उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है। अगर एक पर्सन अनएजुकेटेड है तो यूजुअली वो एंटी सोशल बिहेवियर में अपने आप को इंडल्ज करता है। तो एडल्ट एजुकेशन हमें सिखाती है
कि किस तरह से सोसाइटी में हमें म्यूचुअली रहना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करके रहना चाहिए, शेयरिंग और केयरिंग की वैल्यूज भी डेवलप करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। देखो हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, तो एडल्ट एजुकेशन हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, हमें किसी से किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि इस कलर के, इस रिलीजन के लोग सुपीरियर हैं, इस कलर के, इस रिलीजन के लोग इंफीरियर हैं। हमें सबके साथ फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड के तरीके से रहना चाहिए, सबके साथ हमें मिलजुल के रहना चाहिए। ये सब हमारी एडल्ट एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू फैसिलिटेट चेंज विद चेंजिंग सोसाइटी। देखो आज का युग एक टेक्नोलॉजी का युग है, इस एरा में जीने के लिए इंसान को एजुकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरह की टेक्नोलॉजी का हम तभी फायदा उठा सकते हैं जब हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो एक एजुकेटेड पर्सन ही उन सारी चीजों का फायदा उठा सकता है, एडवांटेज ले सकता है जब उसे नॉलेज होगी। एक अनएजुकेटेड पर्सन कभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा सकता। तो एडल्ट एजुकेशन जो डायनेमिक सोसाइटी है उसके साथ एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सारे पर्पसेस हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एडल्ट एजुकेशन के। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो लेक्चर, प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।